सो लेट्स डिस्कस द कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग निकॉन Z50 मार्क टू कैमरा, और साथ में हम ये बातें करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कोर स्पेसिफिकेशन है हमें कितना इंप्रेस कर पाई, एंड ऑफ कोर्स मैं आपके भी थॉट प्रोसेस को जानना चाहूंगा। सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि जो भी अभी कोर स्पेसिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग निकॉन Z50 मार्क टू कैमरे की, उससे आप कितना इंप्रेस हुए। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस। सबसे पहले यहाँ लिखा जा रहा है कि अपडेटेड बॉडी डिजाइन, ऑल्दो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। भैया अपडेटेड बॉडी डिजाइन मीन्स व्हाट? निकॉन में जो सबसे अपडेटेड बॉडी डिजाइन मेरे हिसाब से APS-CDX फॉर्मेट लाइनअप इज द ZF कैमरा विद एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, दैट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल कैमरा। तो उस लेवल पे तो अपडेट नहीं होगी, बट हाँ मे बी सम काइंड ऑफ अ गुड इंप्रूवमेंट इन द हैंड ग्रिप एंड ऑल दैट स्टफ। सो काइंड ऑफ अ मिनिमल अपडेट मुझे उम्मीद है। मिनिमल अपडेट में ये जरूर होगा कि भैया ये वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन जरूर इंक्लूड करेंगे, जो कि लिखा भी हुआ है। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अपडेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और इसी सॉर्ट ऑफ अपडेट को रूमर मिल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भैया वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन तो निकॉन के आज की डेट में हर कैमरे में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, सिर्फ Z50 लेफ्ट ओवर रह गया था। तो Z50 में इस बारी आ रही है, एंड इट्स वेरी क्लियरली ऑल्सो रिटन कि भैया वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन जस्ट सिमिलर टू द निकॉन Z6 मार्क 3 कैमरा। नाउ द ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिटन इन द रूमर मिल की भैया ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो इसकी होगी वो बिफोर द एंड ऑफ 2024। बाकी कैमरा मेकर भी क्या इस दरमियान कुछ एक अपनी APS-C मॉडल्स को अपडेट करेंगे, अनाउंस करेंगे, खासकर कैनन से भी मुझे उम्मीद है। सो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम जहां पर हम देखेंगे निकॉन और कैनन एक दूसरे के आमने सामने अपने मॉडल्स को उतार रहे हैं। सो नाउ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग ऑफ दिस कोर स्पेसिफिकेशन इज द सेम 20 megapixel सेंसर। अब भैया 2017 से आपने D750 कैमरे की अनाउंसमेंट हुई थी, D750 कैमरा विद 20 MP सेंसर, D500 कैमरा विद 20 MP सेंसर, और उसी अपने 20 MP सेंसर के अंदर आपने हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स को फैब्रिकेट करके 2019 में Z50 को अनाउंस करा था। 2019 से हम Z50 को चला रहे हैं, ऑफ कोर्स आप फर्मवेयर अपडेट दे रहे हो उसमें ठीक है, बट 2019 से कैन यू इमेजिन वी आर हैविंग द 20 MP हाइब्रिड सीमॉस ऑटो फोकस सेंसर। तो व्हाट वी नीड एक्चुअली कि देखो फोटोग्राफर्स के लिए मैं बातें कर रहा हूं, हालांकि वीडियोग्राफर्स के लिए तो भैया 12 MP की सेंसर भी बहुत है। अगर एक वीडियोग्राफर को लाइक द A7S3 उसी के प्रोटोकॉल पे अगर आप एक DX फॉर्मेट कैमरा उतारो 12 MP के सेंसर के साथ, और 12 MP में क्या 12 MP में ओवर सैम्पलिंग नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप 4K में 120 FPS तक अनलॉक कर सकते हो क्योंकि उसमें रीड आउट स्पीड में अपने कैमरे को प्रेशर नहीं पड़ता, कोई ओवर सैम्पलिंग नहीं होती। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो भैया मैं ये कह रहा हूं कि वीडियोग्राफर्स को लो रेजोल्यूशन से उतना कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आज की डेट में देखो कंपनियां फ्यूजी तो भैया कब से 26 MP के सेंसर के साथ काम कर रही, अब वो 40 MP के सेंसर इंट्रोड्यूस कर दी, और अगर आप सोनी में देखोगे तो दे आर जस्ट putting down the 26 MP sensor in the ZV-10 II। अब Canon में ये बातें चल रही हैं कि हो सकता है Canon अपने R7 कैमरे की 32 MP 32.5 MP की सेंसर R10 Mark II कैमरे के अंदर डाल दे। अगर ऐसा होता है तो फिर भैया आप थोड़ा सा पिछड़ते हुए देखो, बट ये भी हो सकता है कि Canon को ये लगे कि भैया निकॉन वाले तो वही 20 MP की सेंसर छापे जा रहे हैं, हम भी क्यों अपने 32.5 MP सेंसर को नीचे उतारे, चलो हम भी 24 MP छापते। सो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट अगर ये दोनों सेम रेजोल्यूशन स्केल पे रह जाते हैं कैनन और निकॉन तो कहीं ना कहीं फ्यूजी और सोनी इन्हें बीट कर देंगे नियर फ्यूचर अपने हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स के साथ, क्योंकि फोटोग्राफर भैया कहीं ना कहीं डिटेल्स को थोड़ा ज्यादा ही प्रेफर करेंगे अगर उन्हें मिलता है तो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई एक ब्रांड ऑफर कर रहे हैं तो कैनन निकॉन को भी सोचना चाहिए, क्योंकि फ्यूजी शांत नहीं रहने वाला। फ्यूजी XM5 कैमरा लॉन्च करेगा विद 26 MP सेंसर इन नियर फ्यूचर, मे बी एट द वेरी एंड ऑफ 2020 और द बिगनिंग months of 2025, but the camera will carry a 26 MP sensor. So of course यहाँ पर Canon Nikon को थोड़ा सा futuristic preparation की भी जरूरत। तो मेरा ये कहना है आपको कि जो entire core specification है, चलो ठीक है, but it is not something that impresses us or touches us from the heart कि भैया ऐसा कैमरा आ जाता है तो तहलका मचा देगा, ऐसा कोई हमें बहुत ज्यादा आप स्केल्ड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप मुझे क्लियर कट बताओ कि इस कोर स्पेसिफिकेशन को, इनिशियल कोर स्पेसिफिकेशन जो आ रही है निकॉन रूमर.com की तरफ
से आप कितने ज्यादा इंप्रेस्ड हो। आप क्या आपको लग रहा है कि भैया सेम 20 MB की सेंसर आती है तो ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको भी लग रहा था कि भैया एटलीस्ट 26 MB सेंसर के साथ आने वाले कैमरे उसको आना चाहिए या 33 MB सेंसर के साथ या एटलीस्ट 24 ही लगा दो भाई। बट वाई 20 MB स्टिल फ्रॉम 2019 टू 2024? 2 साल के लिए तो फिक्स्ड है Z50 Mark II। सो ये समझ लो कि जो 2019 में आपने हाइब्रिड सीमॉस ऑटोफोकस सेंसर को आपने इंट्रोड्यूस करा था वो आप प्लान कर रहे हो 2026 तक चलाने की। बट व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग हियर राइट नाउ इज कमिंग स्ट्रेट आउट फ्रॉम nikonrumour.com और ये काफी हाईली ट्रस्टेबल सोर्स है। बट अगेन अगर ये फेल होता है कुछ एक पॉइंट्स में लाइक इन रेजोल्यूशन पार्ट तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो एटलीस्ट nikonrumour.com की इंफॉर्मेशन गलत थी और एक हाई रेजोल्यूशन सेंसर आ रहा है। बट अगर इनकी इन्फॉर्मेशन सही और वही 20 MB की सेंसर आ रही तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है रेजोल्यूशन को लेके, खासकर फोटोग्राफर्स भाई बंधु के बारे में बातें करें तो। एंड लेट मी नो योर थॉट्स, क्या आप भी 20 MP की सेंसर से सेटिस्फाइड हो? नहीं भाई, निकॉन जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और उसके ऊपर कुछ हमें कमेंट करना ही नहीं चाहिए, या फिर आप भी डिसअपॉइंटेड हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये जानना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।